तेरे बाद आती है ना। अरे तुम बैठ जाओ अभी, ऑलरेडी बैठी। अब फेस का ध्यान रखो, पेन रखो, बस बाकी भूल जाओ, कुछ रोने का स्ट्रगल नहीं करना। रोलिंग एंड एक्शन। हंगामा तो बहुत दिनों से, ड्रामा बहुत दिनों से चल रहा है, और यहाँ पर जैज़ मुझसे लड़ रही है, मैं भी उनसे लड़ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने डैड के बारे में, मेरे सुपरमैन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं नहीं सुन सकती हूँ। और मैंने उन पर मतलब हाथ उठाने की कोशिश की, पर फिर वो बोल रही कि नहीं मारो मुझे, मारो मुझे, तो और ज़्यादा अग्रेसिव हो रही हैं वो भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यही हम सब आज शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा मसाला है, इमोशंस हैं और रोना धोना भी है। क्या चल रहा है, आप मम्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, रेडी का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरे डैड से तभी से मतलब आई स्टार्टेड हेटिंग हिम, आई डोंट एक्चुअली हेट हिम, तब मतलब मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आने लगे जब से उन्होंने सुसाइड किया, बिकॉज उन्होंने इतने प्रोमिसज किए हमारे साथ, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसे करते हैं। तो वो अभी तक आई एम नॉट ओवर दैट थिंग, तो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फादर ने हमें ऐसे छोड़कर हमें कैसे अकेले जा सकते हैं, इसलिए मैं कभी फादर के साइड अभी होंगी नहीं। मैं हमेशा अमाया से लड़ती हूँ, फादर के ख़िलाफ़ मैं बुरा बोलती हूँ, एंड अमाया सपोर्ट करती है अपने फादर को, बहुत प्यार करती है, वो कुछ भी नहीं सुन सकती गलत सुपरमैन के ख़िलाफ़, तो इसलिए बस यही चल रहा है। अच्छा, मैं मम्मी ने क्या बोला जो आपको बुरा लगा, आपका सामान पैक कर रहे, कहाँ जाने के लिए? वो मुझे, मैं बहुत दिनों से ज़िद कर रही हूँ ना मुंबई जाने की, तो वो गुस्से में आके, वो इतना भर चुकी हैं, वो गुस्से में आके बोल रही कि तुम अब निकल ही जाओ, मुंबई भाग ही जाओ, तो मैं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रहने की, बट आई एम लाइक कि नहीं, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे मत भेजिए ऐसे। मैं बहुत उनसे मतलब माफ़ी मांग रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन फिर वो इनका साइड देने लगती है, तो मैं कहती हूँ ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतना ज़्यादा बुरा, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, और तुम भी उनका साथ दे रही हो, तुम्हें मुझे तो समझना चाहिए था, फिर से ये मुझसे लड़ना चालू हो जाती है, बस ये मुझसे लड़ती ही रहती है पूरा समय। Yes, guts की बात कर रहे कि अगर आप में हिम्मत है तो मार के दिखाओ। हिम्मत तो बहुत है मेरे अंदर, मार भी देती है, लेकिन इन्होंने कुछ चुभाने वाली बातें कर दी जो मेरे दिल को एकदम छू गई हैं, इसलिए मैं बिल्कुल शांत जोन में चली गई, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, वरना मैं इनको भी दिमाग तो ठीक कर ही देती, क्योंकि ये भूले ना कि मैं इनसे इनकी बड़ी बहन ही हूँ और इनकी बड़ी बहन ही रहूँगी। अच्छा, मुंबई जाने की बात कर रहे थे, क्या मुंबई जाएंगे कि समय लगेगा कुछ और? वो तो देखना पड़ेगा। हाँ। वो तो आगे की स्टोरी तो अमाया को भी नहीं पता है, जैस को भी नहीं पता है कि आगे क्या होता है, क्या ट्विस्ट आते हैं, लेकिन मेजर ट्विस्ट तो अभी यही चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो तो देखना पड़ेगा, और मम्मी माफ करेंगी कि नहीं करेंगी, या मम्मी ऐसी टॉर्चर करती रहेंगी अमाया को। अच्छा, शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा, उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बता दो। आगे ट्विस्ट तो बहुत ही आएंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, कुछ तो थोड़ा झलक
झलक तो आपने देख ली ना, हिंट तो ये देख लेना। अभी हमारा मेरा और अमा का बहुत मेजर फाइट होता है जो कभी हुआ नहीं। हमारा ट्रैक बहुत ही डिफरेंट जोन में जाने वाला है मेरा और जैस का, तो वो देखना है कि किस तरीके से हम किस जोन में, मतलब वो लड़ाई वाले और झगड़े वाले और एनिमीज वाले जोन में कैसे जाएंगे या जो भी है। अच्छा दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप आखिरी सवाल? बस यही कहना चाहेंगे कि आप देखते रहिए तेरे शहर में स्टार प्लस मंडे टू सैटरडे एट 10 PM ऑनवर्ड्स, और आप सभी लोग, सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको लाइक करिए। हाँ बस मैं भी यही बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Come on,